नमस्ते दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल श्री भगवती क्राफ्ट्स में। आज हम ओल्ड दुपट्टों से ये सुंदर सा डोरमैट बनाना सीखेंगे, जो कि बहुत ही मुलायम और पफी है और देखने में भी बहुत ही सुंदर है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक देखिएगा और पसंद आए तो लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से मैंने दुपट्टे की स्ट्रिप कटिंग कर ली है लेंथ में। तो सबसे पहले हमें इसका किनारा जो है इस तरीके से दोनों तरफ से सिल लेना है। तो कोई सिफॉन का फैब्रिक है, कोई कॉटन का फैब्रिक है, कोई मिक्स फैब्रिक है, तो जो भी मेरे पास था मैंने इस तरीके से स्ट्रिप कटिंग कर ली है। तो देखिए दोस्तों, स्ट्रिप की जो किनारी है वो मैंने स्टिच कर ली है ताकि इसके जो धागे हैं वो निकले ना। अब हमने बेस के लिए ये एक ओल्ड जीन्स और एक गर्म टी शर्ट का फैब्रिक ले लिया है। इसके भी चारों तरफ किनारों पर हम फिनिशिंग कर लेंगे स्टिच करके। तो देखिए 22x18 इंच का मैंने ये बेस लिया है। अब इस कॉर्नर से उस कॉर्नर तक हमें एक चौक से लाइन लगा लेनी है। इधर भी इस कॉर्नर से उस कॉर्नर तक एक लाइन लगा लेंगे। तो देखिए, अब इस एक ट्रायंगल पर हमने ऐसे सीधी सीधी लाइनें लगा लेनी है। इसी तरीके से है उस पर भी हम सीधी सीधी लाइनें जैसे मैंने लगा रही हूँ वैसे लगा लेंगे। अब देखिए, कोई भी एक कलर की स्ट्रिप लेंगे हम और इस तरह से हमें इसे स्टिच कर। तो देखिए दोस्तों, अब हमने बेस को जो हमने मार्क लगाए हैं वहाँ पर हम इस रेड कलर की स्ट्रिप को लेंगे। इसका हमें इस तरीके से पहले हाफ पर थोड़ी सी क्रीज बना लेनी है और फिर जो हमने लाइनें लगाई हैं उस पर हमें इस तरीके से स्ट्रिप के एकदम सेंटर पर स्टिच लगानी है। साथ के साथ हमें इस तरह से गैदर्स भी डालते जाने हैं। तो जहाँ तक हमने मार्क लगाया है वहाँ तक हमें इसे स्ट्रिप को कंप्लीट करना है स्टिच करके। तो देखिए, इस तरह से हमें इसे एंड तक यानी कि जहाँ तक हमने मार्क लगाया है वहाँ तक स्टिच कर लेना है। एक स्ट्रिप हम स्टिच कर लेंगे पहले। तो देखिए दोस्तों, हमने फर्स्ट स्ट्रिप तो लगा ली, अब सेकंड स्ट्रिप भी हम रेड कलर की ही लगाएंगे और उसे पहली वाली स्ट्रिप से इतना पास लगाएंगे कि जो बेस वाला फैब्रिक है वो नज़र ना आए। साथ के साथ हमें गैदर्स डालते जाने हैं और स्टिच लगाते जाना है स्ट्रिप के सेंटर पे। तो देखिए, इस तरीके से एंड तक हमें रेड कलर की स्ट्रिप लगा लेनी है। दो स्ट्रिप हमने रेड लगा ली, अब हम ये ग्रीन कलर की, पैरेट ग्रीन कलर की स्ट्रिप लगाएंगे। ये दुपट्टा जो था मेरा मार्बल शिफॉन का है ये। तो इस तरह से हम इस पे भी गैदर्स डालते जाने हैं और सेंटर पे स्टिच करना है। इसकी भी दो लाइनें कंप्लीट कर लेनी है हमें। अब इसके बाद हम येलो